दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाइट सगैसो सी को। ये एक नोवेल है जिसको लिखा था जीन रीज ने। 1950 से लेकर के 1966 के बीच में इसको लिखा गया था। 1966 में इसको पब्लिश करवाया गया था। इस नोवेल की सेटिंग रखी गई है जमैका नाम की जगह पर। दोस्तों इसका पॉइंट ऑफ व्यू है फर्स्ट पर्सन और मल्टीपल, मतलब फर्स्ट पर्सन भी है और मल्टीपल भी है। ये एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक अच्छा, पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर का एक अच्छा खासा एग्जांपल है ये नोवेल। दोस्तों इसके अंदर फेमिनिज्म है। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक जेन एयर नाम की नोवेल को डिस्कस किया था जिसको लिखा था शैलोट ब्रंटी ने, उसी के रेस्पॉन्स में ये नोवेल लिखी गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों ये कहानी तब की है जब 1833 में इमेंसिपेशन एक्ट आया था। इमेंसिपेशन एक्ट में ये था कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर जितनी भी स्लेवरी आती है, स्लेवरी का मतलब काले लोगों को गुलाम बना करके रखा गया था, उसको अबॉलिश किया जाना था, मतलब उसको हटाया जाना था। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एंटोइनेट कॉस्वे नाम की एक लड़की से। ये एक कैरेबियन लड़की है लेकिन गोरी है, यानी कि इसकी फैमिली यूरोप से है। ये यहाँ पर रह रहे हैं, ये जमैका में रहती है और इसके घर का नाम है कॉलिब्रे। फिलहाल ये अपनी फैमिली में अपनी मदर के साथ में रह रही है। इसकी मदर का नाम है एनेट और इसका एक मेंटली डिसेबल्ड भाई है, मतलब कि थोड़ा दिमाग से कमज़ोर है, जिसका नाम है पियर। ये इससे उम्र में छोटा है। ये तीन जने ही हैं क्योंकि इनके फादर की डेथ हो चुकी है। डेथ के बाद में इनकी फैमिली अकेली सी हो गई। इसकी जो माँ है एनेट, ये बिल्कुल ही डिप्रेस हो गई। ये अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देती थी और खुद से ही बात करती रहती थी। ऐसे में ये एंटोइनेट अपनी एक नर्स क्रिस्टोफिन के साथ में रहती है। इसकी ये नर्स जो है क्रिस्टोफिन, ये जादू वादू करती है, मतलब कोई टोटका वगैरह करती है ये। तो अब इस एंटोइनेट की इस बीच एक ब्लैक गर्ल यानी कि काली लड़की टिया से दोस्ती हो जाती है। ये फिर इन दोनों में आपस में तैरने की रेस लगती है, मतलब कि बैट लगती है इनके बीच में, शर्त लगती है कि कौन अच्छी स्विमिंग कर सकता है। फिर ये टिया जो है इस एंटोइनेट के कपड़े और पैसे लेकर के भाग जाती है। फिर इस एंटोइनेट को टिया के ही कपड़े पहनने पड़ते हैं गंदे से। वो पहनकर जब ये अपनी माँ के सामने जाती है, एनेट के सामने, तो इसको लगता है, इसकी माँ को लगता है एनेट को, कि इसके बच्चे कैसे गरीबी में जी रहे हैं। ये अपनी फैमिली की गरीबी सुधारने के लिए एक पैसे वाले इंग्लिश आदमी मिस्टर मैसन से शादी कर लेती है। मिस्टर मैसन से शादी होने के बाद में इन लोगों के घर की कंडीशन थोड़ी सी सुधरती है, लेकिन कुछ गरीब स्लेव्स इस मिस्टर मैसन से नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि मिस्टर मैसन ने आते ही पुराने सर्वेंट्स को तो निकाला इस घर से और नए सर्वेंट्स को डाला। तो पुराने सर्वेंट्स मिस्टर मैसन से नाराज़ हो गए। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ की नई नई शादी हुई है तो ये दोनों हनीमून पर गए, और जब बच्चे अपनी आंट कोरा के साथ में इस घर में रह रहे थे तो आंट कोरा को डर लग रहा था कि कहीं वो स्लेव्स कुछ कर ना दें, तो बदला लेने के लिए कुछ कर ना दें। तो मिस्टर मैसन को पहले ही समझा दिया था, आंट कोरा ने भी समझा दिया था और एनेट ने भी समझा दिया था कि हम अपनी फैमिली को दूर लेकर के चलते हैं यहाँ से, लेकिन मिस्टर मैसन नहीं माना। जब ये लोग हनीमून पर गए हस्बैंड वाइफ, तो इनके बच्चे आंट कोरा के साथ अकेले घर में रह रहे थे। एक रात भीड़ ने इनके घर में आ करके, अब ठीक है, ये आग लगने के बावजूद ये बच्चे बच गए, मतलब कि आग से ये लोग बच गए, ये दोनों बच्चे बच गए, लेकिन ये छोटा भाई जो था, मेंटली डिसेबल्ड भाई था इस एंटोइनेट का, ये बुरी तरह से इंजर्ड हो गया और खुद एंटोइनेट भी 6 हफ्तों तक बुखार में बेहोश पड़ी थी। और जब इसको होश आया तो इसको पता चला कि इसके भाई की भी डेथ हो चुकी थी और इसके नए फादर ने इसकी माँ को ठीक करने के लिए कहीं भेज दिया था। तो ये माँ से मिलने गई लेकिन वो भी पागलपन और दुख की वजह से अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रही थी। एक्चुअली दोस्तों वहाँ पे जहाँ पे इसको भेजा गया था इसकी माँ को, एनेट को, वहाँ पे इसको बहुत यातना दी जाती थी, मतलब बहुत परेशान किया जाता था, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था। अब दोस्तों इसके बाद एंटोइनेट अकेली पड़ गई तो इसने ऑल गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल ज्वाइन कर लिया जहाँ पर स्टूडेंट्स में गुड बिहेवियर और वैल्यूज़ डाली जाती थी। अब एंटोइनेट को भी यहाँ का कॉन्वेंट स्कूल का रूटीन अच्छा लग रहा था। 18 महीनों तक ये यहाँ पर रही और इसकी माँ, जब ये 18 महीनों बाद इसको पता चला इसकी माँ जो थी एनेट, इसकी डेथ हो चुकी थी। इसकी माँ एनेट को मिस्टर मैनसन से एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था रिचर्ड मैनसन। अब इसके दूसरे वाले फादर मिस्टर मैनसन इसके पास में आए और इसको बोले कि मैं तुम्हें इस कॉन्वेंट स्कूल से लेने आया हूँ। इनका कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा रिश्ता करवाना है।
सीधी सीधी बात बताऊं। ऐसा कहकर के ये एंटवेनेट को कॉन्वेंट स्कूल से ले गए। अब दोस्तों इस एंटवेनेट की एक बड़ी अजीब सी आदत है कि इसको बड़े अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो अब पार्ट फर्स्ट यहीं ख़त्म होता है, पार्ट टू शुरू होता है। दोस्तों पार्ट टू के अंदर क्या है कि इसकी शादी हो जाती है, एंटवेनेट की शादी हो जाती है एक लड़के से। दोस्तों उस लड़के का नाम इस पूरी कहानी में कहीं भी नहीं बताया है, बस उसको हस्बैंड बोला गया है इस एंटवेनेट का। ये दोनों हनीमून पर जाते हैं। अब कहानी एंटवेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल रही है बल्कि इसके हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है। ये आदमी एक इंग्लिश मैन है और ये यहाँ के माहौल में ढला नहीं है, मतलब जहाँ पे इसकी शादी हो तो गई है एंटवेनेट के साथ में, लेकिन पैसे के लिए इसने शादी की है और इससे यहाँ का माहौल बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ना तो इसको यहाँ के सर्वेंट्स पे भरोसा है, सर्वेंट्स भी पसंद नहीं आ रहे इसको, खास करके ये क्रिस्टोफिन जिसकी जो इसकी मेड है, एंटवेनेट की बहुत ही खास मेड है, उस पर भी भरोसा नहीं है इसको। और अपनी वाइफ एंटवेनेट के साथ भी इसका बर्ताव बहुत ही अजीब सा, एकदम स्ट्रेंजर की तरह बर्ताव करता है ये अपनी वाइफ से। चलो ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपना टाइम गुजार रहे थे यहाँ पर और एक दिन इस हस्बैंड को एक लेटर मिला, एंटवेनेट के हस्बैंड को एक लेटर मिला जिसे लिखा था डैनियल कॉस्वे ने। डैनियल कॉस्वे खुद को इस लेटर में बोल रहा था कि मैं एंटवेनेट का भाई हूँ, सौतेला नाजायज़ भाई हूँ, यानी कि एंटवेनेट का जो पहले फादर थे उन्होंने एक मेड के साथ रिश्ता बनाया था जिससे ये डैनियल पैदा हुआ था। तो ये बोल रहा है कि मैं एंटवेनेट का नाजायज़ भाई हूँ, सौतेला भाई हूँ। ये इस हस्बैंड को वार्निंग देता है कि जिस लड़की से तुमने शादी की है उसकी पूरी फैमिली पागल थी और पागलपन इसमें भी है कुछ हद तक, पागलपन से ही इसके माँ बाप की डेथ हुई थी। अब इस लेटर के बारे में एंटवेनेट को कुछ भी नहीं बताया इसके हस्बैंड ने, लेकिन बहुत ही कोल्डली बिहेव करने लगा था ये अपनी वाइफ के साथ में, एंटवेनेट के साथ में। और ये क्रिस्टोफिन जो थी मेड सर्वेंट, ये भी वहाँ से चली गई क्योंकि इसको एंटवेनेट के हस्बैंड का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जिससे एंटवेनेट और अकेली पड़ गई। अब दोस्तों इसके बाद नरेशन वापस से एंटवेनेट के पॉइंट ऑफ व्यू पर आता है। ये एंटवेनेट क्रिस्टोफिन के घर पर जाती है उससे मदद मांगने कि अपने जादू से कुछ ऐसा करो, अपने टोटके से कुछ ऐसा करो कि मेरा हस्बैंड वापस से फिर से मुझसे प्यार करने लगे, क्यों वो मुझसे कोल्डली बिहेव कर रहा है। तो पहले तो क्रिस्टोफिन इसको मना कर देती है लेकिन बाद में मान जाती है और इसको एक बोतल लिक्विड देती है, कुछ देती है लिक्विड, उसके अंदर बोले इसको पिला देना अपने हस्बैंड को, फिर वो वापस तुमसे प्रेम करने लगेगा। अब नरेशन वापस इसके हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू पर जाता है दोस्तों। तो इसका हस्बैंड डैनियल से मिलने गया, जो इसका सौतेला भाई था उससे मिलने गया, एंटवेनेट का सौतेला भाई था उससे मिलने गया। वो इस एंटवेनेट के हस्बैंड को $500 के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। अब दोस्तों इस एंटवेनेट और इसके हस्बैंड के बीच में रात में बहस होती है, आर्ग्यूमेंट होता है। इसका हस्बैंड इसको बोलता है कि मुझे तुम्हारा पास्ट जानना है, तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओ। तो एंटवेनेट इसको अपने घर जलने के बारे में, अपने भाई की डेथ के बारे में, अपनी माँ की बैंडनेस के बारे में, ये सब इस सब के बारे में बताती है, अपने पास्ट के बारे में। ये जानने के बाद इसका हस्बैंड इसको बर्था कहकर बुलाने लगता है। अब इस बर्था नाम से पता नहीं क्यों इस एंटवेनेट को प्रॉब्लम होती है कि मुझे बर्था मत बुलाओ। ये 50 बार अपने हस्बैंड को मना करती है कि मुझे बर्था कहकर के मत बुलाओ। अब एंटवेनेट क्या करती है, जो लिक्विड इसकी मेड ने इसको दिया था क्रिस्टोफिन ने, वो वाइन में घोल करके अपने हस्बैंड को पिला देती है। लेकिन इसका असर उल्टा ही हो जाता है, ये इसका हस्बैंड एंटवेनेट को तो प्रेम करने की बजाय इसकी जो मेड थी एमिली उसके साथ सो जाता है। तो अब एंटवेनेट अगले कमरे में बैठ करके इन दोनों की आवाज़ सुन लेती है और इसको पता चल जाता है कि इसकी मेड और इसका हस्बैंड साथ कुछ दिनों के लिए। और जब वापस लौटती है तो अपनी मेड क्रिस्टोफिन के साथ में लौटती है वापस अपने हस्बैंड के घर में। तो अब इस क्रिस्टोफिन का इस एंटवेनेट के हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसके हस्बैंड ने क्रिस्टोफिन को धमकी दे दी कि अभी पुलिस के पास जाता हूँ और तुम्हारे ये जादू टोने जो टोटका तुम करती हो तुमको अंदर करवाता हूँ अभी। तो क्रिस्टोफिन को मजबूर होकर के इसके सामने झुकना पड़ा और ये एंटवेनेट को गुड बाय बोले बिना ही वहाँ से चली गई, जबकि एंटवेनेट ने खुद को एक रूम में बंद कर लिया था। अब इसका हस्बैंड इसको बोलता है कि हम लोग यहाँ से चलेंगे, बहुत दिन हो गए हमको यहाँ रहते हुए, हम लोग यहाँ से चलेंगे। वो जवाब ही नहीं दे रही थी, चुप थी एकदम। अब एंटवेनेट का हस्बैंड इसको ले गया इंग्लैंड और वहाँ ले जा करके इसका नाम बदल के रख दिया एंटवेनेट से बर्था। बर्था नाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं था। अब दोस्तों इसका पॉइंट ऑफ व्यू जाता है इस एंटवेनेट की एक केयर टेकर है जिसका नाम है ग्रेस पूल।
इंग्लैंड के अंदर इसकी केयर टेकर है, यानी कि जो इसको संभाल रही है, उसको पता है कि एंटोनेट को उसकी मर्जी के बिना उसके हस्बैंड ने यहाँ पे रख रखा है इस घर में, लेकिन डबल पेमेंट करके इसका मुंह बंद कर रखा है, ग्रेस पूल को का मुंह बंद कर रखा है डबल पेमेंट दे करके इसके हस्बैंड ने। अब दोस्तों इस नोवेल का एंड आ चुका है, अब ये नोवेल का नरेशन जो है वापस एंटोनेट के पॉइंट ऑफ व्यू पर जाता है। इसको पता ही नहीं टाइम कैसे गुजरा। एक दिन ग्रेस पूल ने इसको बताया, रात में जब इसके पास इसका भाई रिचर्ड आया था, रिचर्ड मैनसन जो इसकी माँ और इसके नए फादर से एक बेटा था इनका रिचर्ड, वो इसके पास आया था, तो उस पर चाकू उठा करके इसने अटैक कर दिया था एंटोनेट ने। लेकिन एंटोनेट बोलती है कि इसको तो कुछ भी याद नहीं है। रात को इसने अपने हाथ में कैंडल पकड़ रखी थी और इसने अपने घर को आग लगा दी, और छत पर खड़ी खड़ी ये इसके घर में जो आग लगी थी उसको ये याद कर रही थी। इसके हाथ में मोमबत्ती थी, ये सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, और इसी सीन के साथ दोस्तों ये नोवेल ख़त्म हो जाती है।